यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर 3 गांवों में गेहूं की फसल में आग लग गई है और आग से करीब 100 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। जमुखर, गोपाई और परासी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर आग लगी है गेहूं के खेतों में। अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में आग लगी है। फसल जलने से किसान अब परेशान है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जमुखर, गोपाई और परासी गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर चंदौली से, जहां पर 3 गांवों में गेहूं की फसल में आग लग गई है। आग से करीब 100 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसान काफी परेशान है, क्योंकि उनकी गेहूं की फसल जो पककर तैयार खड़ी हुई थी खेतों में, जिसको काटने की तैयारी चल रही थी, और ऐसे में किसानों की ये फसल जल गई है। अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों को इससे भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि गोपाई, परासी और जमखल गांव का ये पूरा मामला है। जमाखोर, गोपाई और परासी गांव का ये मामला है, जहां पर इन 3 गांवों में गेहूं की फसल में आग लग गई है। करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल में आग लगी है, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। किसानों को भारी नुकसान इसके कारण हुआ है। तो आग से करीब 100 एकड़ की फसल राख हो गई है जलकर। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जो आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जमुखर, गोपाई और परासी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई है। गेहूं की फसल जो खेतों में पककर तैयार खड़ी थी, वहां पर अब गेहूं की फसल में आग लग गई है।